ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन एफ पार्ट वन में सेक्शन एफ एफ वन में कोई डाउट? एफ टू वन एफ वन में फोर्थ, एफ वन में फोर्थ, एफ वन का फोर्थ तो आसान है ना, कोसेक थीटा गिवन है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? रूट थ्री बाय टू, हो तो गया ये खत्म, ठीक है। हाँ एफ टू का कौन सा बोला तुमने प्रीति? सर सर ये जो फर्स्ट है ना इसमें एक सॉल्यूशन करेक्ट आ रहा है पर एक सॉल्यूशन ना पीछे रॉन्ग दिया है। चलो नाइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, साइन नाइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया ना, तो जनरल सॉल्यूशन लिख दो इसका तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से नाइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू थीटा, या तो तुम क्या करो एक तरफ लेके आ जाओ, एक तरफ लेके आ जाओ, हाँ वो करो, वो ज्यादा बेटर लगेगा। फिर एक तरफ लेके आ जाओ तो ये साइन नाइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो तो ये आ जाएगा टू साइन फोर थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो या तो साइन फोर थीटा जीरो हो जाए या तो कॉस फाइव थीटा जीरो हो जाए, तो यहां से फोर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू, अच्छा जीरो है ना, जीरो है तो बहुत आसान हो गया, एन पाई हो गया सीधा, एंड यहाँ पे फाइव थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई फोर, एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टेन, ठीक है सर। ऐसा भी लिखते हैं क्या? कैसे सर ये समझता नहीं कब ऐसे कैसे लिखने का, मतलब ये 2n plus 1 pi by 2 मैं वैसे ही लिखता हूँ अभी, वो आपने जनरल सॉल्यूशन लिख के दिए थे ना स्टैंडर्ड वाले, वैसे सेम ही आने वाले वैसे भी है ना सर, वैसे लिख के देखो आप, वो अलग आता है थोड़ा, दिखता अलग है। उसमें उसमें क्या लिखोगे तुम, 2n pi plus minus pi by 2 लिखोगे, बस इतना ही तो लिखोगे, सेम आता है दोनों से, मतलब जो एंगल्स मिलने वाले वो सेम रहेंगे, और वैसे भी कॉस जीरो कहाँ पे होता है वो तो जनरल सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो उससे करो ना। फिर उसके बाद और कोई F2 में थर्ड कैसे करेंगे? थर्ड थर्ड का ये इस तरीके से कर लो तुम, क्या कहते हैं, कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू ये जो साइन टू थीटा था ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा, अब कर लो, ठीक है? ठीक है सर। फिर उसके बाद और कोई एट वाला फैक्टराइज हो जाएगा, एट वाले में ये देखो टेन थीटा, वो टेन थ्री थीटा वाला फॉर्म दिखता है उसमें ना, ये तो फैक्टराइज भी हो जाएगा इजीली, या तो फिर ऐसे कर लो टेन थ्री थीटा वाला फॉर्म देखना है तो एक तरफ लेके चले जाओ, तो यहाँ पे देख लो रूट थ्री बाहर आ जाएगा, अंदर में बचा रहेगा वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा, तो यहाँ पे ये जब नीचे आ जाएगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है? तो यहां से ये टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, तो यहां से आ जाएगा, ठीक? यस सर। फिर उसके बाद एफ थ्री थर्ड वाला सर फोर्थ, एफ थ्री में थर्ड, थर्ड देख लो यहाँ पे, यहाँ पे हमें गिवन है ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक ये गिवन था। उसके बाद अब तुम यहाँ पे देख लो एक इधर, इसको किसी एक को इधर लेके चले जाओ, तो ये कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, या तो वन को इधर लेके चले आओ तुम, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो अब तुम यहाँ पे फॉर्म कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्म बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
तो इसको हम लेके आएंगे cos 4x 5x cos 2x into cos 2x. तो यहां से cos 2x बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा cos 2x plus cos 4x. अब इसमें तुम cos c plus cos d लगा दो, आंसर आ जाएगा. तो ये cos 2x, इसमें cos c plus cos d लगाओगे तो 2 times of cos x into cos 3x is equal to 0. तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो cos x 0 हो जाए, cos 2x 0 हो जाए, या cos 3x 0 हो जाए. ठीक है? Yes, sir. और कौन सा इसमें? सर फोर्थ वन. फोर्थ देख लो, फोर्थ को. तो यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस वन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो सेम चीज यहाँ पे है, ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्म है. तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, दैट इज एन थीटा प्लस एन माइनस वन इंटू थीटा. एंड फिर क्या लिखेंगे अगला, साइन एन थीटा माइनस एन माइनस एन माइनस वन थीटा, ये लिख देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा. अब यहाँ पे देख लो, ये बन जाता है यहाँ पे साइन टू एन थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो एक तरफ लेके आ जाओ तो उसमें से साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा साइन टू एन थीटा एंड माइनस साइन थीटा. तो इसमें तुम साइन सी माइनस साइन डी लगा दो और इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे एन ले लिया है हमने ऑलरेडी, तो जो भी तुम सोल्यूशन लिखना उसमें एम ले लेना, इंटीजर एम ले लेना. ठीक है, क्योंकि एन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, कर लोगे इसके बाद? यस सर. फिर उसके बाद F4 थर्ड वाला. F4 में थर्ड वाला, तो सर इसमें भी वही दिखता है 10 3x वाला फॉर्म. एक्सपांड कर दो इसको, इसको जब तुम एक्सपांड करोगे ना, मतलब ऐसे लिखोगे, क्या कहता है, माइनस कॉमन लेके दिखता है. हाँ, ये वाला tan x plus tan pi by 3 that is root 3 upon 1 minus root 3 into tan x. फिर यहाँ पे ये लिखोगे तो ये आ जाएगा tan x, और tan 2 pi by 3 होता है minus root 3 upon 1 plus root 3 tan x. tan a plus b का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपांड किया है और ये इज इक्वल टू आ जाए, आ रहा है कितना, root 3. Root 3 है. तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करो, a plus b and a minus b वाला फॉर्म है और नीचे भी सेम चीज है. तो यहाँ पे ये tan x और ये आ जाएगा tan स्क्वायर x माइनस थ्री, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू रूट 3. अब ये जब tan x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये tan क्यूब x माइनस 3 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. अब यहाँ पे ये अभी तो tan 3x का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से माइनस हमें बाहर लेना पड़ेगा. माइनस बाहर ले लोगे तो ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू रूट 3. तो यहाँ पे ये है tan 3x इज इक्वल टू रूट 3, तो माइनस, तो tan 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 3. आप सॉल्व कर लेना. ठीक है, हाँ सर, वो tan 3x फॉर्मूला ये लिखनी है. क्या वो tan 3x का फॉर्मूला यही लिखनी है, वहां तक हो गया था. अच्छा चलो बढ़िया है, तेरा क्वेश्चन अच्छा था ना. हाँ बढ़िया है. तो क्या कह रहे हो प्रेम, तुम डिस्कशन कर रहे हो ना, तो मैं नेटवर्क के कारण लेट ज्वाइन हुआ हूँ. हाँ कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन ही चल रहा है. फिर उसके बाद और कुछ F5 दिया था क्या इसमें? हाँ सर. हाँ सर, वो भी हो गया. चलो बढ़िया, तो F5 हो गए, दोनों हो गए. Yes, sir. कल जो हमने लास्ट वाला फॉर्म देखा था उसी का एग्जांपल है ये, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाले का, ये दोनों. फिर उसके बाद पार्ट टू सेक्शन F. F1, F2, कौन सा?
एफ वन फैक्टराइज हो जा रहा है ना वहां पे, वो देख लो, फोर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा, इसमें से कॉस थीटा कॉमन लेना है, उसमें से रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, एंड आगे क्या है ये कॉस थीटा साइन थीटा प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, टू कॉस थीटा कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे टू साइन थीटा माइनस वन, एंड यहाँ से माइनस रूट थ्री साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू कॉस थीटा माइनस रूट थ्री एंड टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इससे लिख लो तुम। सेकेंड, थर्ड, यस सर, सर इसका जनरल सॉल्यूशन निकल रहा है लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। चलो ठीक है, देख लो अब इसको, F3 को जरा ढंग से सुनना क्या है ये। यहाँ पे tan था, तो ये देख लो sin x, फिर उसके बाद tan 4x is equal to cos x, तो तुम इसको sin cos में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा sin 4x अपॉन में cos 4x is equal to cos x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे तो ये आ जाता है cos x cos 4x, और एक तरफ लेके आ जाओ तो माइनस साइन फोर एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक्सपांशन है कॉस, यहाँ पे ये फोर है, ये कॉस फाइव एक्स का एक्सपांशन है, मतलब एक्स प्लस फोर एक्स का, ठीक है, तो यहाँ से कॉस फाइव एक्स तो जीरो आ गया, तो यहाँ पे देख लो फाइव एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टेन। अब हमें क्या बोला गया है, ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई टू टू पाई, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीरो टू पाई में कितने आते हैं, या तो माइनस पाई टू इसमें कितने आते हैं वो देख लेंगे, माइनस पाई टू जीरो में, तो एक चीज है यहाँ पे देख लो, इसमें एन की वैल्यूज तुम जब पुट करोगे, एन की वैल्यू जीरो तो एक्स पाई बाई टेन आ जाएगा, फिर एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा थ्री पाई बाई टेन एन की वैल्यू, फिर उसके बाद अगर तुम टू पुट करोगे तो एक्स आ जाता है फाइव पाई बाई टेन, तो इस तरीके से चलता जाएगा एन की वैल्यू, फिर कहाँ तक, ये पाई बाई टेन थ्री पाई बाई टेन फाइव पाई बाई टेन, हमें टू पाई तक जाना है, इसका मतलब कहाँ तक जाएंगे हम, नाइनटीन पाई बाई टेन तक, है ना, जा सकते हैं यहाँ तक नाइनटीन पाई बाई टेन, देख लो पैटर्न मिल जाता है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टेन मिल रहे हमें, तो पाई बाई टेन थ्री पाई बाई टेन फाइव पाई बाई टेन नाइनटीन पाई बाई टेन, ऐसा इस तरीके से मिलता जाएगा आगे, एंड इसके पहले क्या मिलेंगे बताओ फिर तुम, इसके पहले कहाँ तक जाएंगे, माइनस ना भाई, माइनस पाई तक जाना है, यहाँ पे टू पाई तक जाना था, इसकी वजह से मैं नाइनटीन पाई तक लिया, क्योंकि उसके बाद ट्वेंटी वन पाई बाई टेन आता है, तो ये टू पाई से बड़ा है तो ये नहीं ले सकते, तो इसके पीछे कहाँ तक जाएंगे ये बताओ, ये तो है यहाँ पे पाई बाई टेन थ्री पाई बाई टेन, फिर उसके बाद फाइव पाई बाई टेन अप टू नाइनटीन पाई बाई टेन, और इसके पहले माइनस टेन, थोड़ी ऑड वाले है ना ये सारे, माइनस नाइन पाई बाई टेन, ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको जब तुम काउंट करोगे तो माइनस नाइन माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन वन, इस तरीके से अब तो 19, तो एक जीपी दिखा, एपी दिख रही है हमें, है ना, इसमें लास्ट टर्म देखो क्या है, 19 है, फर्स्ट टर्म माइनस 9 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए थे कॉमन डिफरेंस 2, तो यहां से जब n माइनस 1 इनटू 2 इज इक्वल टू करोगे तो ये 28, तो n इज इक्वल टू 15 आ जाता है, तो 15 टर्म्स है यहाँ पे, 15 सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें अब हर एक के लिए थोड़ी ना चेक करेंगे, एक बार पैटर्न मिल गया हमें तो दिख रहा है कि पाई बाई टेन का ऑड मल्टीपल आने वाला है, तो टू पाई कब मिलना, मतलब कब मिलेगा हमें, जब ये ट्वेंटी पाई बाई ट्वेंटी आएगा तब मिलेगा, लेकिन ये पाई बाई टेन के तो ऑड मल्टीपल से तो हम जा कहां सक सकते हैं, नाइनटीन पाई बाई ट्वेंटी तक, टेन तक, एंड फिर उसके बाद माइनस पाई से ये बोला गया, तो पीछे कहां तक जा सकते हैं, तो माइनस नाइन पाई बाई टेन तक, तो इसमें देख लेंगे अब, और उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे टेन था,
क्या इन एंगल्स के लिए टेन नॉट डिफाइन होता है क्या, वो एक बार चेक कर लेंगे। तो कोई भी एक उठा के पुट करके देख लेना यहाँ पे। तो नीचे में क्या 4x into वो odd multiple of pi by 2 है ना, तो नीचे में 5 बचा रहेगा जो डिनोमिनेटर में एंगल में 4 से मल्टीप्लाई करो तुम सबको, तो नीचे में 5 आता है। तो इन एंगल्स के लिए tan not defined नहीं होता, इसकी वजह से सारे के सारे हम ले लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में pi by 10 के लिए होता है ना, अरे वो 4x है ना, 5 pi by 10 में pi by 2 बनेगा, into 4 कर वो 2 pi आ जाएगा, और 2 pi के लिए क्या tan not defined होता है क्या, नहीं ना, tan 0 होता है वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसको, क्लियर है अभी ये। फिर उसके बाद F4 F5 F6 F7 F8 Yes, sir. F8 में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो ये cos 3 theta 2 cos 2 theta minus 1 is equal to 1 by 2, तो यहाँ पे ये 2 cos 3 theta is equal to 2 cos 2 theta minus 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम क्या करना, इसको एक तरफ लेके आ जाओ, किसी एक तरफ लेके चले जाओ, या तो पूरे को cos में कन्वर्ट कर लो, तुम पूरे को cos में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 into 4 cos cube theta minus 3 cos theta, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 2 into 2 cos square theta minus 1 minus 1 आ जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो ये 2 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 8 cos cube theta minus 6 cos theta is equal to 4 cos square theta minus 3, एक तरफ जब लेके जाएंगे तो cos theta की जगह थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8t cube minus 4t square minus 60 plus 3 is equal to 0, यही आ रहा है क्या, minus 2। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे अब सॉल्यूशन बताने हैं कि क्या होंगे, t square कॉमन लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 4t square कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचा रहेगा 2t minus 1, यानी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा minus 3, तो यहाँ पे बचा रहेगा 2t minus 1 is equal to 0, तो ये देख लो 4t square minus 3, यानी आ जाएगा 2t minus 1 is equal to 0, तो t square is equal to 3 by 4 and t is equal to 1 by 2, that is cos square x is equal to 3 by 4 and cos x is equal to 1 by 2, तो ये दो possibilities है, ठीक है सर, 7 भी बताओ ना, चलो 7 बता दूंगा, पहले ये क्लियर है क्या, हाँ सर, और इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो जो भी तुम सॉल्यूशन बाद में निकालोगे उसके लिए चेक कर लेना क्या ये डिफाइन होता है, क्या मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है या नहीं होता है, वो चेक कर लेना, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना यहाँ पे, ये इस वजह से भी पूरा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेते हो लेकिन वहां पे तुम उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके नहीं देखते हो, तो उसके वजह से गलत होते कभी कभी क्वेश्चंस। तो जहां पे tan, cot, sec, cosec और डिनोमिनेटर में कुछ आता है, तो जो तुम फाइनल आंसर निकालोगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लेना, कि यहां पे 1 by 2 के लिए हो रहा है ना, हां 1 by 2 के लिए, 1 by 2 के लिए नहीं होता है क्या, हां सर हो जाता है 1 by 2 के लिए, इसके लिए नहीं सर, देखो ना डिनोमिनेटर में पुट करके 0 आ रहा है, जीरो कहाँ हो जाएगा, ये cos 2 theta है, ये cos theta है, तो ध्यान दो ना थोड़ा, ठीक है। F7 में vanishes मतलब क्या, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बताओ cos 5 plus x एंड यहाँ पे 3 into sin 5 plus x, ठीक है, is equal to vanishes मतलब जीरो होना चाहिए, cos 5 plus theta कितना होता है, cos pi plus minus cos, लेकिन उसका स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, cos square x, cos square x pi minus होता है तो minus 3 sin x is equal to 0, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, अब साइन में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 minus 2 sin square x,
तो यहाँ पे देख लो माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा अब मत बताओ सर। फिर उसके बाद और कुछ दिया था क्या? कहाँ तक दिया था? टेंथ तक दिया सर। टेंथ तक दिया था। कैसे होगा वो इक्वेशन करना? F9, F10, यस सर। F10 में तो आसान है ना, ये क्या पूछ ले? टैन थीटा किसका रूट है? आपने कल बताया था वैसे ही करना है ना इसको, बस इक्वेशन बन जाती है। इसमें क्या करना, साइन थीटा की जगह पे टैन थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है क्या पुट करना पड़ेगा। तो टैन थीटा बाय 2 की जगह पे टी ले लो, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है टैन, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 माइनस 7t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये देख लो, अब यहाँ पे 2t प्लस 7 माइनस 7t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक बनती है ना, ये tan थीटा बाय 2 में बनती है, तो यही से tan थीटा बाय 2 x है, तो tan इसके रूट्स आएंगे वो। तो इस तरीके से करना इसको, 10 तक ही दिया था, चलो ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। कोई डाउट है क्या आप सेक्शन f में? और सभी लोग सॉल्व करना, ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सभी लोग सॉल्व करना, फायदा ही होगा तुम लोगों को। एक्सरसाइज 1 तो हर एक इसकी कर ही लेना तुम लोग, ठीक है? एक्सरसाइज 1, ये नहीं कि सर हाँ, नोट्स पढ़ने के बाद और होमवर्क होने के बाद क्या करने का? इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, इतना टाइम तो निकल ही जाता होगा, बाकी टाइम में नहीं निकाल पाते होंगे। नहीं निकलते, तो नहीं निकलता है सर, इतना ही कर लिया करो अभी, ठीक है? Yes. चलो ठीक है। तो ये बताओ कल के लेक्चर में कितने क्वेश्चंस लिए थे हमने उस फॉर्म के ऊपर? सर हमारा पांचवा टाइप चल रहा था और हमने दो क्वेश्चंस लिए थे। दो क्वेश्चंस लिए थे क्या? अच्छा, मतलब वो एक क्वेश्चन तीनों तरीके से सॉल्व करके बताया होगा मैंने। हाँ सर। हाँ सर, एक मिनट बस। चलो एक दो और क्वेश्चंस कर लेते इस टाइप के, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चंस, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू, जल्दी जल्दी करो इसको। फिर उसके बाद थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इज इक्वल टू 5, एंड फिर उसके बाद है साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का 2n पाई प्लस पाई बाय 4। सही है, आगे बढ़ो। 2n सर मैंने साइन के टर्म्स में किया। एक मिनट, 2n पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा क्या? हाँ सही है। कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो यही आएगा सर, साइन में कन्वर्ट करने के बाद अलग आ रहा था। साइन में मत करो ना, साइन में जनरली मत करना कन्वर्ट, क्योंकि साइन में वो क्या लिखना पड़ेगा हमें, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, इस तरीके से साइन में बस दिखने में अलग होगा साइन से जो आता है।
पहला कितने लोगों का हो गया? मेरा हो गया। मेरा हो गया सर। चलो ठीक है, बाकी के लोग भी करो। हाँ सर हो गया। चलो बढ़िया है। गुड अश्विन, चलो आगे। सेकंड का 2 and π + 53 डिग्री। हाँ बोल सकते हो ऐसा। गुड वेदांत। तुम में से कितने लोग सुबह सुबह उठ के मतलब थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं 15-20 मिनट तक? शीर्षासन करते हैं सर। शीर्षासन करते हो क्या? चलो बढ़िया है। बाकी कुछ कुछ लोग तो 7:30 बजे ही उठते होंगे। नहीं सर 7:30 नहीं, 7:15। 7:15 बजे उठो। अच्छा 2 घंटे का भाई, इतना मत करना प्रेम, ठीक है? 2 घंटे कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा 4 बजे उठते हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 घंटे कुछ ज्यादा नहीं है क्या? अभी कौन उठता है सर 4 बजे? उठते हैं कुछ कुछ लोग। 7 बजे सोता होगा सर। कर लिया करो थोड़ा सा, मतलब फायदा ही होता है इसका। हाँ यही आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा करना, फायदा ही होता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है दिन भर। 1 घंटे घूमने के लिए जाते हो, बढ़िया। 1 घंटे क्या घूमना है, वजन थोड़ी ना कम करना है अपने को, उसके लिए बाद में टाइम मिलेगा अपने को बहुत। अभी बस थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए आधा घंटा काफी, इतना 1-1 घंटा तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये कर सकते हो तुम अगर टाइम निकाल रहे हो पढ़ाई के अलावा भी, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हो। सर थर्ड के 2 आंसर आ रहे हैं क्या? 1 2n + 1। सर सेकंड में थोड़ा सा लगा रहा है, टेन इनवर्स ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ वो आ सकता है, चलो करो मैं बता दूंगा। 1 घंटे में 8 किलोमीटर जॉगिंग, 8 किलोमीटर दौड़ लेता है क्या? मैं यहाँ पे 4 राउंड मारता हूँ, मैं हाँफने लग जाता हूँ एकदम 1 किलोमीटर में ही। 8 किलोमीटर दौड़ता है तू, सही है। हालत हो गई है क्या? मैं भी यार 1 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन 1 किलोमीटर में ही हालत खराब हो जाती है मेरी। सर बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती, बहुत ठंड बचती। नहीं थोड़ा सा कर लो। सर मैं तो 3 महीने से पार्किंग में भी नहीं गया हूँ। सही है। सर हमारे घर के आजू बाजू तो पूरा खेती खेते है, इसलिए बहुत ठंड बचती है। हाँ बोलो अनिकेत। अंकित, अच्छा हो गया क्या ये बोलना चाहते? सर थर्ड का 2n + 1π/2 है और दूसरा n π + π/4 है क्या? चलो ठीक है करो, अब मैच करवाओ क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला देख लो तुम, sin x + cos x = √2। तो मेथड 1 से करोगे तो भी आ जाएगा, 2 से करोगे तो भी आएगा। तो इसमें मेथड 1 से करते हैं इसको, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके
तो उसके लिए दोनों तरफ तुम रूट टू से मल्टीप्लाई करो, तो ये कॉस एक्स अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वन बन जाएगा। तो इसको कॉस में जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन। तो एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू ये है टू एन पाई, क्योंकि कॉस वन होता है टू एन पाई पे, तो इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन से करोगे तो बस दिखने में सोल्यूशन अलग होगा, बाकी दोनों से जो एंगल्स आएंगे वो तो सेम रहेंगे। अगला देखो, अब अगले में क्या है कि थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम इसको थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इसको तुम टैन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, इसको टैन वाले से करते हैं हम, या तो फिर उससे भी कर सकते हो फाइव से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके मेथड वन से। तो टैन से करके देख लेते हैं इसको, तो टैन एक्स बाई टू की जगह पे पहले से ही टी पुट कर देना तुम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस एट टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस एट टी इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव प्लस फाइव टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो, एक तरफ जब लेके जाओगे तो ये आ जाएगा एट टी स्क्वायर माइनस एट टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो टू कॉमन आ जाएगा और ये बनता है फोर टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये बताओ, माइनस वन का, टू टी माइनस वन का, टू टी माइनस वन का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके बाद ये आ जाएगा टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाय टू। तो यहाँ से देख लो, अब ये कितना टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू ये है वन बाय टू। अब हमें पता नहीं कि टेन कौन से एंगल के लिए वन बाय टू होता है, तो इसको हम अल्फा लिख लेंगे, टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा वन बाय टू। तो यहाँ से x by 2 is equal to आ जाएगा n pi plus alpha। तो यहाँ से x is equal to आ जाएगा 2n pi plus 2 alpha। यानी यहाँ पे tan alpha कितना है 1 by 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो। सर थर्ड का 2n pi और 2n pi plus pi by 2। हाँ, तो ये वाला क्लियर है सेकंड सभी को, tan x by 2 से किया गया इसको। चलो लिख लो, जल्दी करो। करेक्ट है सर। थर्ड, हाँ एक मिनट, क्या बोल रहे हो, और कोई किसी की तो आवाज आई। हाँ बोलो अथर्व। हो गया सर। अच्छा अश्विन है क्या, चलो ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम लोग। सर नेक्स्ट पेज लीजिए ना। अच्छा नेक्स्ट पे, ये वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है सर, थर्ड का आंसर ये है क्या, 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाय 2। हाँ होगा, देख लो एक मिनट। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइन 2x, फिर उसके बाद ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो तुम यहाँ पे एक काम करना, ये जो इसको ऐसे लिखना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या बन जाएगा फिर, cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा फिर ये। अब देख लो इसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, cos थीटा माइनस पाई बाय 4, तो ये 1 बाय 2। तो ये cos 2x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो यहां से देख लो, अब ये कॉस, तो ये था, तो ये 2x माइनस पाई बाय 4 कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो एक बार प्लस के साथ, हाँ सही है, दो आ रहे हैं, एक बार प्लस के साथ ले लेना प्लस पाई बाय 4 एंड एक बार माइनस के साथ ले लेना इसको 2n पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ पे देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड यहाँ पे पाई बाई 4 गया, तो x इज इक्वल टू n पाई, इस तरीके से दो। ठीक है, क्वेश्चन
कोई डाउट इसमें? नो सर। लिखो इसको भी, ये थर्ड है। सर मेरा n पाई की जगह 2n plus 1 पाई बाय 2 आया। 2n plus 1 पाई बाय 2, तो फिर तो वो ये आ गया, एक मिनट, वो गलत है ना फिर? वो गलत है। लेकिन सर वो 180 के लिए होता है ना? एक बार देख लो, कहीं ना कहीं पे तुमने मिस कैसे किया तुमने सॉल्व? cos 2x को एक्सपांड कर दिया। cos 2x को मतलब एक्सपांड कर दिया और टू cos x को बाहर निकाल दिया कॉमन। अच्छा फिर गलती मिल गई सर मुझे ऐसे। या तो फिर तुम बहुत आसानी से भी किया जा सकता है, यहाँ पे देख लो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर वहां से टू साइन एक्स बाहर आ जाएगा तो वहां से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज का तो ये हो गया अपना टाइप फाइव। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो अब टाइप सिक्स। टाइप सिक्स, टाइप सिक्स क्वेश्चन जनरली मिलेंगे नहीं तुम्हें मॉड्यूल में, एक आध होगा कहीं पे। टाइप सिक्स इसमें लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, मतलब इस तरीके से वो फंक्शन होना चाहिए इसका। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होने चाहिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्रेजेंट होना चाहिए या इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, विच इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स। तो ऐसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रहेंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, तो इसमें तुम क्या करना, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो इसकी जगह पे प्लस वाला लेके चलते, मान लो प्लस है वहां पे प्रेजेंट, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे तुम टी पुट कर दो, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर दिया, तो इसको भी तुम टी के टर्म्स में लेके आ जाना। और इसको t के टर्म्स में लाना है तो कैसे लाएंगे, स्क्वेयर कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वन, मतलब ये साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो ये देख लो, ये तो वन बन जाएगा, तो ये आ जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स
इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस पूरे इक्वेशन को टी के टर्म्स में लेके आएंगे, इसकी जगह पे हमने टी पुट किया तो फिर उसके बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी टी के टर्म्स में आ गया, इसका मतलब पूरा इक्वेशन टी के टर्म्स में आ गया। अब वहां पे वो फैक्टराइज वगैरह हो जाएगा, टी की हमें वैल्यू मिलेगी, और एक बार टी की वैल्यू मिल गई तो फिर हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन से, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो बस इसमें क्या, अगर माइनस रहता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे टी पुट कर देंगे और इसको टी के टर्म्स में लाएंगे ताकि पूरा इक्वेशन टी के टर्म्स में आ जाएगा। सर ऐसे उल्टा दिया होता है क्या, साइन एक्स कॉस एक्स को टी मान के? नहीं नहीं ऐसा उल्टा नहीं कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी ले लेना ताकि दूसरा इजीली आता हुआ दिखता है। तो क्वेश्चन लिखो तुम, क्वेश्चन लिखो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप सिक्स में क्या है, उसमें फंक्शन किसका रहेगा जिसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा होगा या साइन एक्स प्लस माइनस कॉस है, मतलब ये आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, नहीं ये भी आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे टी पुट कर देंगे एंड फिर उसके बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में क्या लेके, इसमें इसको भी टी के टर्म्स में लेके आ जाएंगे ताकि जो पूरा इक्वेशन होगा वो टी के टर्म्स में आएगा, फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लो उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन ये है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब ये जो है टाइप वन का फॉर्म, मतलब टाइप सिक्स का है, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, टी के टर्म्स में इसको टी लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आ जाता है टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे करके दिया, इसके वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसको, स्क्वायर वगैरह नहीं कर रहा। तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये देखो क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। तो पूरा इक्वेशन टी में आ गया, तो अब ये फैक्टराइज हो जाता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो टू प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, टू इधर आ जाएगा तो ये बन जाता है यहाँ पे टू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। तो टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। एंड टी इज इक्वल टू वन आ गया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, टी को हमने किसको माना है, इसको माना था। तो यहाँ से फिर ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब उसके बाद हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, ये टाइप फाइव का बन गया इसके बाद। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे वन बाय रूट टू। तो ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, और यहाँ पे एक्स माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू आ जाएगा फिर ये टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर। तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लेंगे तो एक्स आ जाता है टू एन पाई प्लस पाई बाय टू, एंड एक बार लेंगे तो वो कितना आ जाएगा टू एन पाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, कोई डाउट है तो पूछ लो अब इसमें। पूरे इसको टी के टर्म्स में लेके आएंगे, उसके लिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट किया तो ये टी के टर्म्स में आ जाएगा ये, और कैसे आता है तो इसका हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो वहां से ये आता हुआ दिखता है टी के टर्म्स में। तो पूरा इक्वेशन टी में, फिर इसको फैक्टराइज मतलब सॉल्व किया तो टी की वैल्यू वन, और टी क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो फिर आगे वो टाइप फाइव के तरीके से सॉल्व किया। थर्ड स्टेप बतानी है, कौन सी वाली, ये हमने यहां पे पुट कर दिया ना पूरा का पूरा, ये जो था इसको हमने टी माना, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आ गया,
अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये देखो ये कितना, ये टी, ये टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, तो पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। हाँ सर समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज ये हो गया सभी लोगों का। हाँ सर। यस सर। हाँ लिखो जल्दी करो। सर वही पेज दिख रहा है। हाँ एक मिनट कोई लिख रहा है उसके वजह से। आगे करो ना तुम, ये तो फिर आसान है, अब इसको कॉस में कन्वर्ट करो। चलो तुम देखो सही कर रहे हो क्या। हाँ। करो जल्दी करो। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो सर। ठीक है तो चलो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया उनके लिए, साइन टू एक्स प्लस फाइव साइन एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। साइन टू एक्स प्लस फाइव साइन एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो दिख रहा है क्या टाइप सिप्स का क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है। कैसे ये साइन टू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस वन। मतलब टू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स लिखेंगे ना, ये कह रहा हूँ। और टाइम लग रहा है, ये नहीं बन रहा क्या? सर cos x equal to minus sin x आ रहा है। हाँ तो फिर tan x is equal to minus 1 हो गया। वो तो गया मतलब लास्ट स्टेप में जाके। चलो ठीक है उसके बाद तो कर लोगे। यहाँ पे देख लो आप, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x को 2 sin x cos x। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, तो ये 2 sin x cos x, फिर 5 कॉमन ले लेना अंदर में, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हाँ ठीक है एक मिनट रोहित देख लो यहाँ पे। सही है ये।
लिख सकते हैं सर, आ गया। हाँ, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां से जब करेंगे तो ये आ जाता है टी स्क्वायर माइनस वन बाई, और ये ध्यान रखना ये जो टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू है जब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी है, लेकिन जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी ले लोगे उस केस में कुछ अलग आएगा, वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे अब इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन, ये यहाँ पे फाइव टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वन वन तो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे टी कॉमन आके अंदर में टी प्लस फाइव, तो टी की दो वैल्यूज आ रही, या तो टी जीरो या टी इज इक्वल टू माइनस फाइव, एंड टी क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस फाइव। तो ये बताओ ये माइनस फाइव से कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या? नो, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि रेंज रेंज के बाहर लाई करता है ये, इसकी रेंज क्या है माइनस रूट टू टू रूट टू, और ये जो है माइनस फाइव इसके रेंज के बाहर हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से मिलेगा इसको कैसे करेंगे, तो ये टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस थ्री बाय फोर भी लिख सकते हो, या तो माइनस पाई बाय फोर भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है? कोई डाउट किसी को? हाँ सर। चलो करो आगे, जल्दी करो। इसके बाद वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज्यादातर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से ये नेक्स्ट वाला टाइप जो है। इसके कितने टाइप है? लास्ट है, नेक्स्ट टाइप लास्ट है। हो गया सर। अगर 5 cos x plus 5 sin x रहता तो इक्वेशन चेंज होगा? नहीं, उसमें क्या हो जाएगा, 5 कॉमन अंदर में sin x plus cos x ही तो है, अंदर में तो sin x plus cos x है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन में बोला मैंने जो क्या रहता क्वेश्चन में, ऐसा थोड़ी ना, तुम x प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स लिखो, दोनों तो एक ही बात है ना, अब ये पहले लेने से फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो सेम ही रहेगा वो। हाँ, बीच में अगर माइनस रहता तो फिर फर्क पड़ता, कुछ अलग चीज आ जाती यहाँ पे, अलग सॉल्यूशन आता, ठीक है? ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिख लेते इस टाइप का। तो क्वेश्चन है वो 3 cos x plus 3 sin x plus sin 3x minus cos 3x is equal to 0। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अब यहां पे। ये इन sin 3x और cos 3x को एक्सपेंड करना पड़ेगा ना? हाँ करो। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ध्यान रखना है, तो तुम करते रहना उसको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो रेगुलरली, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने से ये इजी लगता है टॉपिक, लेकिन जब अंदर इसके गहराई में जाते तो पता चलता है कि क्या क्या है इसमें। तो जब तक तुम इसकी रिविजन नहीं करोगे तब तक कमांड नहीं आएगी इसके ऊपर,
मतलब फॉर्मूले तो याद रखने ही है, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, साइन टू एक्स के तीन फॉर्मूले, लेकिन लगाए कौन सा, कहाँ पे लगाए, किस तरीके से लगाए, ये भी तो मेन है ना। अब किसी भी जगह की जगह पे कोई भी फॉर्मूला लगा के तो काम नहीं चलेगा। बन रहा है क्या ये? यस सर। चलो जल्दी करो फिर। नहीं बन रहा सर। चलो देखो अब यहाँ पे तो बन रहा है सर, एक मिनट। 3 cos x तुम सॉल्व करते रहना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इनको, प्लस 3 sin x, इसकी जगह पे अब ये 3 sin x माइनस 4 sin cube x, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो अब ये cos 3x की जगह पे 4 cos cube x माइनस 3 cos x रहता है, तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये प्लस 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 6 cos x प्लस 6 sin x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर में ये sin cube x प्लस cos cube x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये 6 sin x प्लस 6 cos x आइडेंटिटी का, a cube प्लस b cube वाली आइडेंटिटी, तो यहाँ से आ जाएगा sin x प्लस cos x, और अंदर में बचा क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, इसको तुम एक साथ कंसीडर करो और इसको, तो इस पूरे में से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर में बचा क्या रहेगा, 6 माइनस 4 इंटू ये वाला तो 1 बन जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको तुम टाइप 6 से कर सकते हो, मतलब इसकी जगह पे टी पुट करके फिर यहाँ पे इसको टी के टर्म्स में लाके, लेकिन ये तो डायरेक्टली बन गया ना, इसको तुम 0 के साथ इक्वेट कर देना एंड इसको 0 के साथ इक्वेट कर देना, ठीक, तो यहाँ से ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड 6 माइनस 4 प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से जब साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा, ठीक, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे ये साइन 2x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4, एंड यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x, तो माइनस टैन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2। सर टी अज्यूम करके ना ये एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ ये क्या, दोनों सेम ही है, देख लो करके, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर पाई बाय 4 को, तो देखो ये क्या है, एन पाई माइनस पाई बाय 4 है, दोनों सेम ही है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। सर हाँ, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू इमेजिनरी नहीं हो सकती ना, क्योंकि उससे एक इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। नहीं 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 हो सकती है। चलो इस तरीके से करना है, इसको तुम टाइप 6 से भी कर सकते हो, कैसे,
यहाँ पे तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर दो ये टी के टर्म्स में, सेम ही चीज बनने वाली थी आगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है, टाइप 7 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसमें से सारी चीजें हमें पता है, हमें आइडेंटिटी पता है, हमें ये साइन 3x कॉस 3x का फॉर्मूला पता है, लेकिन लगाया किस तरीके से जा रहा है वो मेन चीज है यहाँ पे, तो वही चीजें हमें सीखनी है। तो जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम भी सीख जाओगे, उतना जल्दी सीख जाओगे। सर हाँ एक मिनट प्रीवियस पेज लो ना। बोलो सर, ये आपने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया वो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का? सर आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसकी जगह पे ऐसे भी डाल सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री साइन एक्स कॉस एक्स इनटू ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिख सकते हैं, सेम ही चीज है, ठीक है, लिख सकते हैं। हो गया, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप 7 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। लिख लेना यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स की जो रेंज होती है ना उससे हमें मतलब सॉल्व करने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करना क्या एक्चुअल में इसमें। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। अब तुम ये बताओ साइन x की रेंज क्या है, साइन की रेंज क्या होती है? माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। कॉस की रेंज क्या होती है? सेम माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन ना। तो बताओ ये तुम, इन दोनों का सम 2 कब आएगा? जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाए। जब दोनों की वैल्यू 1 ले रहे होंगे हम, इसका मतलब दोनों की जब हम बाउंड्री वैल्यू ले रहे होंगे ये 1 1, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज ये पॉसिबल होगा क्या, बीच वाली कोई वैल्यू ले लेंगे तो? नो सर, नहीं ना। तो पहले ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, वरना तुम क्या करोगे यहाँ पे cos sin 2x को 2 sin x cos x सॉल्व करने जाओगे, होगा तो नहीं वैसे वो आगे सॉल्व। वहां पे हमें क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करना है कि ये बाउंड्री प्रॉब्लम है या नहीं है, तो रेंज से चेक करना, इसकी रेंज माइनस वन टू वन, इसकी रेंज माइनस वन टू वन, दोनों का सम 2 आ रहा है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इसकी भी बाउंड्री वैल्यू लेंगे 1 और इसकी भी बाउंड्री वैल्यू लेंगे 1, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लो, अब ये साइन 2x भी 1 होना चाहिए, एंड अभी तक तो हमने और देखा हुआ है हर एक में, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है,
ये वन होना चाहिए एंड ये भी वन होना and... चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे cos x भी वन आना चाहिए, ठीक है? Yes sir. बाउंड्री वैल्यू मतलब यहाँ पे ये माइनस वन एक तरीके से बाउंड्री तो है ना, बाउंड्री वाली वैल्यू तो है, एक्सट्रीम वैल्यूज माइनस वन एंड वन इसकी बाउंड्री वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज बोला जाएगा। तो ये कब पॉसिबल हो रहा होगा, जब ये वन हो रहा होगा एंड ये भी वन हो रहा होगा, मतलब बाउंड्री वैल्यू वैल्यू ले रहा होगा तभी ये पॉसिबल है, तो इसकी वजह से इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। और कोई बोल रहा था कुछ, बोलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी तक तो हमने क्या किया था, और तो यूनियन क्या यूनियन था, लेकिन अब यहाँ पे वन, ये भी वन एंड ये भी वन, तो एंड है, तो इंटरसेक्शन लेना है, तो ढंग से सुनना इसको क्या कर रहा हूँ। ये तो हमें पता है साइन टू एक्स अगर वन है तो यहाँ से टू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय फोर, ये आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन हमने अगर n के टर्म्स में लिखा है तो तुम क्या करना, इसका सोल्यूशन m के टर्म्स में लिखना, m, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 2m पाई, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड यहाँ पे m बिलोंग्स टू भी इंटीजर है। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब एक तरीके से क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब जो एंगल्स दोनों में आ रहे होंगे, इसमें भी आ रहे होंगे एंड इसमें भी आ रहे होंगे, वही एंगल्स हमें चाहिए, ठीक है? यस सर। तो दो मतलब जो एंगल्स दोनों में आ रहे वही एंगल्स हमें चाहिए इंटरसेक्शन मतलब, तो उसके लिए क्या कर देना तुम, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को जब तुम इक्वेट कर दोगे, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है वो बता रहा हूं मैं अब तुम लोगों को, इन दोनों को तुम इक्वेट कर देना, क्योंकि हमें अब इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब जो एंगल्स इसमें भी लाई कर रहे एंड इसमें भी लाई कर रहे वही एंगल्स हमें चाहिए थे, इसका मतलब इन दोनों को तो इक्वेट करना पड़ेगा हमें। इक्वेट कर देंगे मतलब वो एंगल यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2n plus 1 into pi by 4 is equal to 2m pi, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना तुम, m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या तो n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, दोनों में से कोई एक चीज कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे m को n के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2n plus 1 upon 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे m और n कैसे है, m और n इंटीजर, तो अब हमें बताना है कि कौन से इंटीग्रल वैल्यू, n के कौन से इंटीग्रल वैल्यू के लिए m इंटीजर आता है वो हमें बताना है। तो ये बताओ ऊपर में कैसा इंटीजर है ये, तो बताओ क्या ये पूरा ओवरऑल नंबर कभी इंटीजर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। तो इसका मतलब फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, मतलब एक तरीके से क्या लिखना मुझे ये बताना था यहाँ पे, एन के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए एम इंटीजर नहीं आता है, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एम इज इंटीजर, देयरफॉर इसमें कोई कॉमन एंगल नहीं आएगा, तो इसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो थीटा लिखा था, एक्स लिखा था, तो इसके वजह से एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा फाइव, क्लियर है? तो इंटरसेक्शन लेने के फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्यों है ये, इसकी रेंज माइनस वन टू वन, इसकी रेंज भी माइनस वन टू वन, दोनों का सम टू है, तो ये कब पॉसिबल हो रहा होगा, जब इसकी हम बाउंड्री वैल्यू ले रहे हैं मतलब एक्सट्रीम वैल्यू वन वन, तभी ये पॉसिबल हो रहा होगा। इसका मतलब ये भी वन होना चाहिए एंड ये कॉस एक्स भी वन होना चाहिए, तो साइन एक्स वन मतलब ये आ जाएगा। इसका सोल्यूशन तुम एन के टर्म्स में लिखना और इसका एम के टर्म्स में लिख देना। अब इंटरसेक्शन लेना है मतलब जो दो एंगल्स दोनों में आ रहे हैं ऐसे एंगल्स हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना, दोनों को इक्वेट कर देना। दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद हमें ऐसी चीज मिलेगी। तो इसमें क्या करना तुम,
या तो n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे m को हमने n के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे m और n दोनों इंटीजर है, तो यहाँ पे तुम बस ये चेक करना कि क्या यहाँ पे कोई इंटीग्रल n प्रेजेंट है जिसके लिए m इंटीजर आता है। अगर ऐसा कोई है तो उसमें हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऊपर में कैसा इंटीजर है, ऑड, क्योंकि ये 2n plus 1, n की तुम कोई भी वैल्यू पुट करो ऊपर में हमेशा ऑड आने वाला है और नीचे में ये है 8 even, तो इन दोनों का जो मतलब डिविजन है ये कभी इंटीजर नहीं आ पाएगा, उसकी वजह से x belongs to y। तो यही लिखा है, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m इज इंटीजर, therefore x belongs to y। क्लियर है? Yes, sir. तो ये लिखो तुम, अगला क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद। सर साइन की वैल्यू तो 4n plus 1 pi by 2 पे आते हैं ना? क्या क्या? साइन की वैल्यू 1 तो 4n plus 1 pi by 2 पे आती है। अच्छा एक मिनट, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे तब भी क्या कर लोगे, 4n plus 1 कर लो, क्या ही होगा, 4n plus 1 बस इतना चेंज कर लो, यहाँ पे 4n plus 1 ये 4n, तब भी ऊपर में ऑड ही है ना, 4n plus 1 भी तो ऑड ही इंटीजर है। नेक्स्ट पेज लो ना। यहाँ पे रीजन लिख लेना ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर में क्या है ऑड है और नीचे में इवन है, तो ऐसा कोई भी एन पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए एम इंटीजर आएगा। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ हाइट के क्वेश्चंस लास्ट में है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, जिसमें कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए वो इंटीजर आता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? तो इसमें लिख लो तुम ये साइन 3x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, तो क्या ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है क्या? यस सर। यस, और ये हमेशा साइन एंड कॉस के प्रॉब्लम्स ही होंगे, ध्यान रखना ज्यादातर इसमें, क्योंकि यही बाउंडेड फंक्शन से माइनस वन टू वन के बीच में इनकी रेंज लाई करती है, तो ये माइनस वन टू वन लाई करता है, ये भी माइनस वन टू वन लाई करता है, तो पॉसिबल होगा जब दोनों माइनस वन हो जाए, जब दोनों माइनस वन। चलो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब यहाँ पे एंड कॉस टू एक्स भी माइनस वन होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लो ये थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ पे होता है, तो ये फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू के लिए, एंड यहाँ पे ये 2x is equal to ये कितना आ जाएगा 2m, यहाँ पे अगर n ले लिया तो यहाँ पे m ले लेना into pi, तो ये x is equal to आ जाएगा 4n minus 1 into pi by 6, एंड यहाँ पे x is equal to आ जाएगा 2m plus 1 into pi by 2। अब हमें दोनों एंगल्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ऐसे एंगल्स चाहिए जो इसमें भी लाई कर रहे हैं इसमें भी लाई कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है? दोनों को जब इक्वेट करोगे तो इक्वेट करने के बाद ये 4n minus 1 into pi by 6 is equal to 2m plus 1 into pi by 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये 4n plus 4n minus 1 upon 3 is equal to ये आ रहा है 2m plus 1, तो इसको जब इधर लेके आ जाओगे
तो क्या आता, या तो n को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो n इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, कोई भी एक चीज कर सकते हो, कोई भी कर लो, किसको किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है बताओ तुम। सर n को करो सर। n को करे क्या, चलो n को कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4n माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6m प्लस 3, और फिर यहाँ से n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू ये कितना 6m प्लस 4, तो n इज इक्वल टू ये 6m प्लस 4 अपॉन 4, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3n प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा सर। 3m सर, 3m, 3m प्लस 2। तो अब तुम बताओ यहाँ पे कौन से m के वैल्यू के लिए ये इंटीजर आएगा, ये n इंटीजर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इवन ऑड का कंसेप्ट लगाओ, ये इवन है, ये इवन है, तो इसमें इवन ऐड करेंगे तो ऊपर में इवन बनेगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए m क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 लेना पड़ेगा। मतलब m क्या क्या ले सकते हैं, 0 2 4 6 8 ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं ना, इवन है ना। मतलब एक तरीके से m को हम क्या ले सकते हैं, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेना, m इज इक्वल टू 2p, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। और p क्यों लिया, क्योंकि n और m ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो m क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए, जिसके लिए n इवन n इंटीजर आ रहा है। m को अगर हमने इवन इंटीजर लिया तो n इंटीजर आ रहा है, ठीक है, मतलब m ये वैल्यूज ले सकता है, तो उसकी एक जनरल टर्म लिख लेंगे 2p, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसी m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो n इंटीजर आएगा, इसका मतलब वो जो एंगल आएगा वो दोनों में रहेगा। तो जहां पे m दिखता है ना हमें, m वाला जनरल सॉल्यूशन ये वाला, इसमें तुम m की जगह पे क्या पुट कर दो, 2p पुट कर दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। क्लियर है, ये फाइनल आंसर है, जहां पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्लियर है क्या बताओ, वरना और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सर। अब यहाँ पे मिलता है हमें ऐसा m एग्जिस्ट करता है जिसके लिए n इंटीजर आता है, और वो m क्या होगा, इवन इंटीजर। तो इसकी बस एक जनरल टर्म लिख देनी है हमें, इवन इंटीजर है तो 2p जनरल टर्म, जहां पे p इंटीजर होगा, तो जहां पे m था उसकी जगह पे 2p पुट कर देंगे, तो ये जो x आएगा यहां से जो एंगल्स हमें मिलेंगे वो दोनों में लाई करते हैं। तो जल्दी से लिख लो इसको, हो गया। ये वाला पेज बाकी है क्या किसी का? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला। तो एक्सरसाइज 1 में तो इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, 2 में मिलेंगे तुम्हें। एक्सरसाइज 1 में ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं दिख रहे हैं। हां ऐसा क्वेश्चन, वो तो खत्म ही हो गया ना सेक्शन है एक्सरसाइज 1 का, दो बचे सर, दो क्वेश्चन बचे बस, 2 में मिलेंगे तुम्हें। और इस क्वेश्चन को हम बाकी टॉपिक्स के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स के कांसेप्ट के साथ, मतलब एक तरफ पॉलीनोमियल एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो हम देखेंगे बाद में उसको, इसके बाद। ठीक है सर, इसका लास्ट पार्ट एक बार बता दो। लास्ट पार्ट ये तो यहाँ तक तो क्लियर है क्या, ये n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, हमें अब ऐसा इंटीजर ढूंढना है m, जिसके लिए n इंटीजर आ रहा होगा, क्योंकि m और n दोनों इंटीजर है, तो m की तो सारी इंटीग्रल वैल्यूज हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये देख लो, अब यहाँ पे ये इवन है और ये भी इवन आना चाहिए, तभी ये पूरा 2 से डिविजिबल होगा और n इंटीजर आएगा, इसका मतलब उसके लिए m को क्या होना जरूरी है, इवन इंटीजर, 0 2 4 6 8, तो इसकी हमने जनरल टर्म लिख दी 2p, जहां पे p इंटीजर। ठीक है, अब जहां पे n दिख रहा है, m कहां पे दिख रहा है, कौन से जनरल सॉल्यूशन में m है, इसमें, तो इस m की जगह पे हम 2p पुट कर देंगे जहां पे p इंटीजर है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा यहां से जो एंगल्स आएंगे वो दोनों में लाई कर रहे होंगे, ऐसे होंगे वो। ठीक है, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो।
चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा, उसमें बस अब क्या बचा हुआ है, आइडेंटिटी इनइक्वालिटी बचा हुआ है एंड हाइट एंड डिस्टेंस के ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है, वो जो क्वेश्चंस तुमने टेंथ में किए हुए वही क्वेश्चंस है यहाँ पे, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस तुमने फिजिक्स में भी किए होंगे, फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने किए होंगे ऐसे कि इतने स्पीड से जा रहा है, फिर उसके बाद इतना एंगल पहले था, फिर यहाँ तक पहुंचा, एंगल ये हो गया तो फिर कितना टाइम लगा उसको, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो फिजिक्स में तुमने देखे होंगे, 1D में देखे होंगे, ठीक है। चलो बाय सर, बाय।